मानसून शुरू हुए समय हो गया, लेकिन बारिश की खींच ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। खेतों में बोई फसल नष्ट ना हो, इसके लिए बारिश की बहुत आवश्यकता है। बारिश के लिए भगवान इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टोने टोटके शुरू हो गए हैं। बारिश के लिए गांवों में टोने टोटके का तरीका भी वही पुराना है। इन टोटकों में कोई मेंढक मेंढकी, कुत्ते कुतिया की शादी भी करवाते हैं, तो कोई गधे पर एक व्यक्ति को उल्टा बैठा कर गाँव में घुमाते हैं। ऐसा ही एक टोटका अच्छी बारिश के लिए रतलाम जिले के गांव धराड़ में गांव वालों ने किया। यहां अच्छी बारिश के लिए गांव के उप सरपंच मनोज राठौर को गधे पर उल्टा बैठाकर गांव में घुमाते हुए शमशान घाट तक ले गए। इस दौरान लोग यह दृश्य देखने के लिए जुट गए। गांव के लोगों ने बताया कि धराड़ में अच्छी बारिश के लिए शुक्रवार को उप सरपंच को गधे पर उल्टा बिठाकर उसको गांव में घुमाने का टोटका किया गया। ऐसा बारिश नहीं होती है तो अच्छी बारिश के लिए किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से टोटके अक्सर किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस गांव में किसी कारण से बारिश नहीं होती है, वहां ऐसे टोटके किए जाते हैं। धराड़ में इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यह दृश्य देखकर मजे उठाते रहे हैं। सातरुंडा के पास ग्रामीणों द्वारा चोरी की शंका में राह चलते तीन युवकों को पकड़कर जमकर धुलाई कर दी। ग्रामीणों ने तीनों को मारते हुए ले जाकर पुलिस को सौंपा। ग्रामीणों द्वारा युवक के साथ की गई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ग्रामीण युवकों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जांच में मामला कुछ अलग ही निकला, तो पुलिस ने युवकों को पीटने वाले ग्रामीणों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। हुआ यूं कि ग्राम धराड़ के पास करण नाम के एक युवक का एक्सीडेंट हुआ। इस युवक ने अपने दोस्तों को एक्सीडेंट की सूचना दी। उसके तीन दोस्त रोहित, योगेश और विक्रांत उसे लेने के लिए मोटरसाइकिल से धराड़ आए। धराड़ से करण को लेकर तीनों दो मोटरसाइकिल से वापस जा रहे थे। सातरुंडा के पास एक युवक रोहित की बुआ रहती है, तो सभी पानी पीने के लिए रुक गए। इन चारों को फोरलेन पर खड़ा देखकर ग्रामीण इन सभी को चोर समझ बैठे। ग्रामीणों ने सभी को पकड़ने के लिए घेरा बनाया। इस घेरे में से करण भाग निकला, जबकि रोहित, योगेश और विक्रांत को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने तीनों की कोई बात नहीं सुनी और जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने इन युवकों की मोटरसाइकिल की चाबी तक ले ली थी। ग्रामीण तीनों को मारते हुए सातरुंडा पुलिस चौकी ले गए, जहां पुलिस ने जांच के बाद पाया कि तीनों युवक लेबर जिला धार में मजदूरी करते हैं। वो तीनों अपने दोस्त के घायल होने पर उसे लेने के लिए आए थे। पुलिस ने तीनों का मेडिकल करवाया। पुलिस ने इन युवकों से मारपीट करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में बंद बसों का संचालन अब तक शुरू नहीं हुआ है। इसकी वजह सरकार द्वारा बस संचालकों को किसी तरह की मदद नहीं करना है। आज बस संचालकों ने सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा। रतलाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रतलाम जिले के बस संचालकों ने रतलाम जिला बस एसोसिएशन के बैनर तले पहले नारेबाजी की, फिर अपनी सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बस संचालक सस्ती और सुलभ सेवा प्रदान करते हैं। लॉकडाउन अवधि में बसों का संचालन नहीं हुआ है। एड में इस अवधि के समस्त टैक्स माफ किए जाए, बीमा अवधि को बढ़ाया जाए और डीजल के मूल्यों में हुई 12 से 13 रुपए की वृद्धि को देखते हुए बसों के किराए में 50% की वृद्धि की जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि शासन के बनाए कोविड-19 के नियमों का पालन किए बिना विभिन्न रूटों पर चल रही अवैध टैक्सियों के संचालन को रोका जाए। यह अवैध वाहन कोरोना बीमारी को फैलाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर वैभव जाट, मनीष जैन, विकास अग्रवाल, अयुब मेव, प्रकाश राठौर, रुस्तम शाह, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, मोहम्मद सादिक, आमिर मुगल सहित सदस्यगण मौजूद थे। आज हमारा जो ज्ञापन है, पिछले 3-4 महीने से सभी बस ऑपरेटर कर्मचारी परेशान है और हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम बस वाले हमेशा सरकार के सहयोग में अभी जब प्रवासी मजदूरों को ले जाने का भी काम पड़ा था, तब हमारे कर्मचारी भाइयों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनको अपने स्थान पर छोड़ा।
उसके बाद भी आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पिछले 4 महीने हो चुके हैं। अब ये चाह रहे हैं कि हमारी मांगों पे जल्दी से जल्दी निराकरण हो और हम हमारी जो भी सेवाएं चालू करें वापस। समूह लोन देने वाली बैंक अब लॉकडाउन की अवधि के 3 माह के ब्याज के लिए गरीब महिलाओं को परेशान कर रही है। बैंकों की इस वसूली के खिलाफ ये गरीब महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। इन महिलाओं ने एक ज्ञापन SDM को सौंपकर वसूली की कार्रवाई रोकने की मांग की। मामला जावरा क्षेत्र का है। जावरा SDM कार्यालय के बाहर खड़ी ये वो गरीब महिलाएं हैं जिन्होंने समूह लोन लिया था। ये सभी महिलाएं प्रतिदिन मजदूरी कर अपना घर चलाती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण पिछले 3 माह से इन महिलाओं की मजदूरी बंद है, जिसके कारण से इनको अपना घर चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब समूह लोन देने वाली बैंकों ने इन महिलाओं पर पिछले 3 माह की अवधि का ब्याज और किस्त भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस दबाव के चलते कई महिलाएं काफी परेशान हो गई। परेशान महिलाओं ने जावरा SDM से मिलकर गुहार लगाई कि उन्हें बैंक वसूली से राहत दिलाई जावे। SDM ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि कुछ समय दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको ना समूह वाले परेशान कर रहे हैं, सर लोग, मैडम लोग, बंधन बैंक वाले भी परेशान कर रहे हैं और दूसरे सर हैं जो दूसरी कंपनियां से, वो भी परेशान। किस तरह से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? वो कह रहा है आप किस्त जमा करिए और आप अगर किस्त जमा नहीं करोगे तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, और ब्याज एक्स्ट्रा ले रहा है, और जो किस्त जमा करोगे चालू करोगे तो उसके साथ 900 या 1000 रुपये एक साथ ही किस्त के साथ देना, यानी उसकी पेनल्टी भी मांग रहे हैं। हाँ, साथ में एक किस्त के साथ। कितना लोन उठाया था आपने? हमने तो एक सूर्य वो तो 50 का चल रहा था सर, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है हर किस्त के साथ। हर किस्त के साथ में। हाँ, पेलेंटी। पेलेंटी। तो इतना कहाँ से इंसान करेगा? आप लोगों को नियम वगैरह बताया कि इसकी बुकलेट है इस तरह से, ये बैंक के अंदर पहले ऐसा कुछ भी नियम नहीं बताया था, सिर्फ लोन देते थे और लोन हमेशा जो चल रहा था वैसा भरते थे क्या। परिस्थिति ऐसी आ गई तो अब हर इंसान घर बैठे हुआ, घर में बैठ के तो 3 महीने इंसान ने कमाया ही नहीं कुछ भी, तो कहाँ से भरेगा। अभी समय मिला है, वो भी ये मंडी बंद हो गई, रिक्शा गाड़ी चल नहीं रही, एक सवारी बैठा उसमें इंसान कितना कमाएगा। कौन सी बैंक से लिया था आपने लोन? बंधन बैंक से भी है और सूर्य उदय से भी है। एक्सिस बैंक वाले भी परेशान कर रहा है, वो डायरेक्ट ये कहते मैं क्या माफ कर दूँ क्या आपका लोन, क्यों आप ब्याज तो छोड़ नहीं रहे, आप माफ कैसे कर दो। अभी आपको परेशान करने आ रहे हैं? हाँ, कल ही मेरी बात हुई उनसे। क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहा मेरे को किस्त जमा करो, मैंने कह दिया मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा अभी जमा नहीं करते सितंबर अक्टूबर तक। अभी कुछ महिला समूह द्वारा कहा गया कि ये समूह का ऋण लेती है, विशेषकर बंधन बैंक के खिलाफ इनकी शिकायत है कि लॉकडाउन में इनके द्वारा काम नहीं किया गया, फिर भी अतिरिक्त ब्याज की मांग की जा रही है और व्यवहार इनका सही नहीं है। तो एक बार जाँच की जाएगी और शोकॉज नोटिस का मतलब ये है कि उनसे पूछा जाएगा कि क्यों ना आपकी विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, कुछ जगहों से ये मालूम हुआ कि गैस की टंकियां सामान भी वो उठा उठा के ले जा रहे हैं सर, ऐसी शिकायत में आई है। एक बार वो जांच कराएंगे और निश्चित तौर पर अगर लॉकडाउन में कोई किस्त नहीं भर पाया है तो हम माफी का तो नहीं कह सकते, लेकिन समय अवश्य दिया जा सकता है और मानवीय आधार पर ध्यान दिया जा सकता है। जिला प्रशासन की पहल पर ऑपरेशन मुक्ति के अंतर्गत रतलाम जिले में भी ऐसे व्यक्तियों के लिए कैंप आयोजित किए गए जो सूदखोरों एवं चीट फंड कंपनियों में त्रस्त एवं शोषित हैं। जिले के भिन्न भिन्न थानों पर पृथक पृथक प्रकरणों में 19 FIR दर्ज की गई। कैंपों से संबंधित तहसीलदारों एवं थाना प्रभारियों द्वारा उपस्थित रहकर शोषित व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त किए गए। शुक्रवार को जिले में 112 आवेदन प्राप्त किए गए। प्रथम कैंप में चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध 2 FIR दर्ज की गई। स्टेशन रोड तथा माणक चौक थाने पर 1-1 FIR दर्ज की गई। भारी ब्याज एवं साहूकारी के मामले में 4 FIR दर्ज हुई। इनमें नामली थाने पर 2, माणक चौक तथा सेलाना थाने पर 1-1 FIR दर्ज की गई। शराब के मामले में 12 FIR अलग अलग थानों पर दर्ज की गई। इसके अलावा सट्टे के प्रकरण में 1 FIR सेलाना थाने में दर्ज की गई। जिले भर में आयोजित कैंपों में 112 आवेदन प्राप्त हुए। रतलाम शहर में 29, सेलाना में 40, पिपलोदा में 11, जावरा में 4, आलोट में 3, बाजना में 12, ताल में 4, नामली में 2, ढोडर में 6 तथा मुंदड़ी में 1 आवेदन प्राप्त किया गया। आज आयोजित प्रथम कैंप के अलावा इस प्रकार के कैंप जिले में आवश्यकता अनुसार आयोजित किए जाते रहेंगे। जिले में हम लोगों ने
माफिया के सर खिलाफ कार्रवाई का एक मुहिम स्टार्ट किया है। इसमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने मुख्यतः टारगेट किया है जो अवैध रेत को खत्म रखे हुए हैं, लोग माफिया का सूट लिया है जिन लोगों ने, या जो लोग अवैध चिटफंड कंपनी चला रहे हैं, या काफ़ी बिना लाइसेंस के और काफ़ी ज़्यादा दरों पर ब्याज खुरी या सूद खुरी काम कर रहे हैं, उनके सभी खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया हम लोगों ने। इसके अलावा भू माफिया लोग हैं या फिर जो पहले से फरार इनामी बदमाश लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें पिछले 5 तारीख से कई काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और आज बेसिकली हम लोगों ने आज का दिन चूज़ किया था इसका ज्वाइंट एक्शन, मतलब इसमें राजस्व के अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोग हैं तहसीलदार साहब लोग और थाना प्रभारी के साथ मिलकर चिटफंड कंपनियों और जो सूदखोर लोग हैं ये खिलाफ कार्रवाई का दिन रखा है हम लोगों ने। इसमें पूर्व में भी काफ़ी शिकायतें रही हैं और यहाँ कॉमन शिकायतें मिलती रहती हैं, काफ़ी बड़े दरों पर लोग ब्याज वसूल रहे हैं मनमाने दरों पर और लोगों की ज़मीन एग्रीमेंट करा ले रहे हैं या फिर उनके वाहन जो है वो दे नहीं रहे हैं, इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। उसमें हम लोगों ने मुहिम चलाया और अभी तक एक दो शिकायतें आई हैं जिस संबंध में बताया है उन्होंने थाना पाई है, उन सब में कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास ये होगा कि इसमें सिर्फ FIR तक सीमित न रहे, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही साथ जो निवेशकों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो उन तक वापस पहुँचे। इस संबंध में IG सर ने भी परसों बैठक ली थी प्रभाग स्त्री, उसमें भी यही निर्देश दिए गए हैं कि गुंडे बदमाशों माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उसी तारतम्य में ये अभियान चलाया जा रहा है। सर ये अभियान का हर महीने रहेगा, इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे या किस तरह के? इसलिए हम लोगों ने डेट फिक्स कर रखा है, वैसे शिकायत करना तो कभी पहुंच सकता है, थाने जाकर शिकायत दे सकते हैं वो, लेकिन इसमें जहां दिक्कत आती थी हम लोगों को कोऑर्डिनेशन की जो दिक्कत रहती है, जैसे शिकायत करके FIR हम लोग कर लेते हैं लेकिन उस जो जिसने ये अवैध ब्याज से कहाँ कहाँ संपत्तियाँ अर्जित की हैं या चिटफंड कंपनी से जो पैसा इकट्ठा किया है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है ये जानकारी हम लोगों तक नहीं आ पाती है, चूँकि ये राजस्व में अगर ज़मीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो इसकी जानकारी रहती है, तो इसलिए क्या जब ये कार्रवाई संपूर्ण नहीं हो पाती है अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन ना रहे तो। इसको देखते हुए कलेक्टर मैडम ने ये पहल की है कि इसमें राजस्व अधिकारी भी फ्राइडे को सुबह 11 से 1 आप सभी थाने पर रहेंगे ताकि जो शिकायत प्राप्त होता है तत्काल उसमें राजस्व अधिकारी भी उनकी जमीन और या उनकी प्रॉपर्टी के विषय में जानकारी निकाल लें ताकि उनको रासात कराकर जो निवेशक लोग हैं उनको पैसा वापस कराया जा सके। जिले में शुक्रवार को 3 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे ही थे कि देर शाम जिले में कोरोना ब्लास्ट हो गया, जिसके अंतर्गत अचानक 10 कोरोना मरीज सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना ब्लास्ट में आए मरीज जावरा के सुधारीपुरा की 25 वर्षीय महिला, 21 वर्षीय पुरुष पिपलोदा और 36 वर्षीय महिला का सैंपल पॉजिटिव आया है। वहीं रतलाम शहर के राजीव नगर अलकापुरी का 40 वर्षीय पुरुष, दीनदयाल नगर का 34 वर्षीय पुरुष, बग्घी खाना महल वाला पैलेस रोड की 30 वर्षीय महिला, मोहन नगर की 32 वर्षीय महिला, इंदिरा नगर का 63 वर्षीय पुरुष, प्रताप नगर का 37 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस प्रकार जिले में 10 सैंपल पॉजिटिव, रतलाम शहर के 6 सैंपल पॉजिटिव तथा जावरा के 3, पिपलोदा का 1 सैंपल पॉजिटिव आया है। अभी आए मरीजों में मेडिकल कॉलेज के 355 सैंपल में से 6 पॉजिटिव तथा जिला चिकित्सालय ट्रू नॉट के 37 सैंपल में से 4 पॉजिटिव मरीज हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान और पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने रतलाम और रावटी के कंटेनमेंट एरिया का मौका मुआयना भी किया। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने शनिवार को लगने वाले हाट बाजार बंद कर कंप्लीट लॉकडाउन घोषित किया है।